छत्तीसगढ़ की कवर्धा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से करीब 6.5 किलो सोने के गहने भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन गहनों की कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। आरोपी इन गहनों को आंध्र प्रदेश के विजय नगरम स्थित एक ज्वेलरी की दुकान से चोरी करके लाया था। आरोपी ने अकेले ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में घटना को लेकर पूरी जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश पुलिस को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है। कवर्धा पुलिस को सूचना मिली थी कि स्थानीय बदमाश लोकेश श्रीवास कई दिनों बाद बुधवार को फिर से शहर में दिखाई दिया है। इस पर पुलिस को संदेह हुआ और गुरुवार को उसके घर छापा मारा गया। पुलिस को तलाशी के दौरान एक झोले में बहुत सारे सोने के गहने मिले। इस पर लोकेश को हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने आंध्र प्रदेश की एक ज्वेलरी शॉप से चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने बताया कि पहली बार आरोपी लोकेश को साल 2006 में एक चोरी की वारदात में पकड़ा गया था। इसके बाद से वो लगातार चोरी करने लगा और पकड़ा भी गया। आखिरी बार उसने अक्टूबर 2022 में ओडिशा की एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने पर पकड़ा गया था। तब उसने करीब 1.5 करोड़ के गहने चोरी किए थे। आरोपी लोकेश का एक साथी लोकेश साव अभी चोरी के मामले में जेल में बंद है। वर्धा जिले में एक निगरानी बदमाश है लोकेश श्रीवास, जो आतन नकब जन रहा है और इसके खिलाफ कई सारे मामले पूर्व में दर्ज हैं। और 2020 में एक बड़ी चोरी इसने उड़ीसा में की थी। उसके बाद से पुलिस मुखबिरों के माध्यम से इस पर लगातार नज़र रखती है। अभी हाल में सूचना मिली थी कि ये कुछ दिनों के लिए अपने सुकूनत से गायब था, फिर लौट कर वापस आ गया था और फिर अभी कुछ दिन पहले ये फिर से यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला गया था। तब से पुलिस इस पर लगातार नज़र रखे हुए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।